मियाँ वहीद साहब हमारे साथ और मैं आपका मेज़बान एहसान बटालवी। नाज़रीन, सेनेट में स्टेट बैंक का बिल पास हुआ और उस पर अभी तक खुद अपोजिशन और हुकूमत, हुकूमत को शायद पता ही होगा लेकिन अपोजिशन भी हैरान परेशान है कि ये कैसे हो गया। शायद मियाँ साहब, अगर मैं ये कहूँ कि अपोजिशन पूरी अभी जरदारी की साजिशों को नहीं जानते कि वो क्या क्या, वो शतरंज का कितना बड़ा खिलाड़ी है और किसा वो खरीदो फरोख्त जोड़ तोड़ का वो कितना बड़ा माहिर है, तो उसने क्या बेनिफिट लिए, क्या वादे किए गए, कुछ नहीं पता। आप बेहतर जानते हैं, जबकि गिलानी साहब ने इस पे एहतजाज करते हुए अपने अपोजिशन लीडर की हैसियत से इस्तीफे का कह दिया कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। आप क्या कहते हैं, क्या इस्तीफा दे के ये बिल वापस हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में डॉक्टर साहब, देखें कि ये पूरा जो है सेनेट के अंदर अपोजिशन की जो पोजीशन है वो किसी से ढकी छुपी तो है नहीं कि कितनी ज़्यादा उनकी सीटें हैं, लेकिन ये अमूर आप देख ही रहे हैं कि एक अरसे से ये जब भी आते हैं, क्योंकि इसमें सबसे अहम बात जो हम आज से नहीं पहले से कह रहे हैं कि ये अपोजिशन जो ये एक बार बार ये कभी अदम एतमाद की बात करते हैं, कभी ये सेनेट के चेयरमैन के ख़िलाफ़ करते हैं, कभी ये स्पीकर के ख़िलाफ़ करते हैं, कभी ये वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ करते हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए कि इनके अपने अपने मफादात हैं, अपनी अपनी बात है। और जो आपने इस्तीफ़े की बात की है, देखिए उसमें भी गिलानी साहब चूँकि लीडर हैं वहाँ पे, उसके अपोजिशन के लीडर जो है ना, वो कहते जी मुझे रात को, हालांकि ऐसा होता नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है। अगर आना चाहते तो देखें बाकी लोग भी चले, उनको भी छोड़ दें, उनको वो ना भी आए तो वो मौलाना साहब के बंदे किधर थे, बाकी पीपल्स पार्टी के बंदे किधर थे, नून लीग के सारे किधर थे, ये बात तो उनके खुद एक सेनेटर ने उसी को ट्वीट कर दिया जो जिसपे जो है ना असल में ये बात शुरू हुई, क्योंकि इनका आपस में सलूक ही नहीं है, एक एजेंडा नहीं है, अपने अपने मफादात हैं, अपने अपने काम हैं, इसलिए ये बात करते हैं। जो इस्तीफे की भी उन्होंने बात की है वो भी बड़ी मज़े की है, वो कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा मैंने अपने चेयरमैन को भेजा, यानी अपने चेयरमैन को बिलावल भुट्टो को इस्तीफ़ा भेजा है कि जी मेरे साथ ये जो है ना बड़ा जो है ना मुझ पर ये बात हो रही है। अभी तो जो है ना वो स्पीकर के खिलाफ आते हैं, कभी ये चेयरमैन सेनेट के खिलाफ बात करते हैं कि जी अदम एतमाद की, कभी ये बात करते हैं वज़ीर आज़म के, तो इनकी सफ़ों में खुद से इत्तेहाद ही नहीं है, क्योंकि इनका एजेंडा जो है ना वो किसी का भी देखे ना तो आवाम है, ना ही कोई और इस तरह का कोई जो आवाम के लिए या महंगाई का भी ये बात करते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ नारे के तौर पे है। इनका एजेंडा सिर्फ एक ही है कि अपने अपने मफादात के लिए अलग अलग ये डील करना चाहते हैं, इसलिए इनसे हमें तो कभी भी जो है ना वो ऐसा मसला नहीं रहा। और जो दूसरी बात आपने इस्तीफे की बात की है वो भी देख लेंगे, इस्तीफ़ा वो किन्हें दे रहे हैं, उन पे मुसद्दिक मलक ने तो उसी वक्त ट्वीट कर दिया जब वो नहीं पहुंचे, जब ये बिल पास हुआ, मुसद्दिक मलक का ट्वीट जो है ना उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ जो बात की है, उसके बाद वो कहते हैं कि जी मैं इस्तीफ़ा, इस्तीफ़ा किसको दिया है, बिलावल भुट्टो को। भाई अगर आपने देना इस्तीफ़ा तो दें चेयरमैन को, बात अपनी जान छुड़ाएं, आप जो है ना वैसे ही बहानेबाजियाँ जो है ना ये चल रही हैं, तो ये बात आपके सामने ही है। जो इनके आपने कहा है कि जितने बड़े खिलाड़ी हैं, जब तक उधर से पूरा इनको जो है ना वो ना इशारा मिलता तो ये आ ही नहीं सकते थे, वरना ऐसी क्या बात है कि अगर ये चाहें तो सारी की सारी जो अपोजिशन है वहाँ पे मौजूद ना हो, चले कोई बीमार है, ये मुल्क से बाहर है, ये तो एक आध बात समझ आती है। अब इन्होंने कह दिया जी वो कौन खानी थी तो मैंने उधर जाना था, मैं पहले से कमिटेड था, जबकि ये बात तो कई दिन से चल रही थी कि ये सेनेट में ये बिल आने वाला और ये आना है आजकल, और इसको शायद ये 2-3 तारीख से पहले पहले इसका ये ज़रूरी था सारा मामला, और इनके इलम में था सारा, और ये कई दिनों से बात चल रही थी, ये नहीं कि इन्हें पता नहीं था। और इन्होंने आपस में तमाम जो वहाँ पर लोग पहुँचे हैं अपोजिशन के, इनका सेनेटर्स का व्हाट्सएप पे, बाकी जगह पे मैसेजेस इन्होंने करके ये बात बिल्कुल, वहाँ पे कुछ मेंबर्स ने कही है कि हम ऑलरेडी एक दूसरे को मैसेज करके बुलाया हुआ था कि भी सार बंदा पहुँचे, ये नहीं आए। बस ये बातें आप समझ लें कि ये सियासत इसी तरह से चलती रहेगी,
ये काम जो है ना इनके बस का है नहीं, हमें जो ये बात करते हैं हमारी कमजोरियों का और इन्होंने क्या किया ये आपके सामने। यह साहब आपने बड़ी सच बात कह दी, लेकिन ये लोग आप यकीन जान लें कि ये सियासतदान जो इस तरह के हैं, जो मैं अगर ये लफ्ज़ कहूँ कि जो कंप्रोमाइजिंग कह लें या अगर साफ लफ्ज बोला जाए, तो इनके कंप्रोमाइजिंग चलते रहेंगे, इस समझियाँ भी चलती रहेंगी। और ये जो पीडीएम नाम की एक तंजीम बनी है, पीडीएम का मतलब भी आपको पता ही है, पीडीएम का मतलब है पैसे दो मैनू, तो आप पैसे देते रहें वो काम करते रहेंगे, आपके इस मास्टर्स वाइस पर क्या अपना बयान करते रहेंगे। देखें जी, हम पैसे ना लेने वाले हैं ना पैसे देने वाले हैं, इसी वजह से तो वो मौलवी साहब हम पे इतना भड़कते हैं। वो पैसे हैं उनका तो पता है आपको कि वो तो इस तरह के बंदे हैं, वो पहले कहते हैं जी औरत की हुक्मरानी कबूल नहीं है, फिर आपने तस्वीरों में देखा है कि वो औरत उसी औरत के पाँव में बैठ के जो उन्होंने डीजल के जो आज तक उन पे एक निशान है वो धब्बा भी ऐसा है वो धुलता भी नहीं, डीजल का सुना धुलता भी नहीं है, तो वो धब्बा जो है ना आज तक नहीं धुला। वो पैसे हमसे उन्होंने क्या लेने हैं, हमें तो वो बल्कि पिछले दिनों जिस हकारत से उस बंदे ने बातें की हैं मुल्क के वज़ीर आज़म के लिए, उसके लहजे में कोई तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर वो आलम भी कहलाता है और एक पार्टी का सरबराह तो कम अज़ कम उसका ही ख्याल कर ले कि यार मुझे बात तो सही करनी चाहिए। लेकिन सच बात यही है कि उन्हें पैसे मिल जाएँ बिल्कुल ठीक है, अब वो छोटा सा हिस्सा जो है ना एक आप देखें बल्दियात में छोटा सा मिला है, तो अब वो ये बात नहीं कर रहे, अब वो अदमे इतमाद वाली बात नहीं कर रहे, अब वो और बातें कर रहे हैं। पहले आप देखेंगे उनका था इस्तीफे दे दें जी, आज ही सब कुछ छोड़ दें, जब तक वो खुद बाहर थे सिस्टम से तो वो उनका, और अभी इसमें भी देखें सेनेट में उनके मेम्बर किधर थे, और ये सारे सब कुछ जो है ना एक छोड़ दें इनकी बात, कौन सी अपोजिशन है। मैंने जैसे पहले कहा कि हमें बेशक कमजोरियां होंगी हमें, और मैं शुरू से पहले दिन से कह रहा हूँ आपके साथ कई प्रोग्रामों में बात हुई है कि हमारी अपोजिशन एक है सिर्फ और सिर्फ वो महंगाई है, जिस दिन हमने उस पर कंट्रोल कर लिया इंशाल्लाह ये अपोजिशन तो इनका जो बकाऊ माल ने क्या अपोजिशन करनी है। मियां साहब बहुत शुक्रिया आपका, हम आपको वक्तन फ़क्तन तकलीफ़ देते रहते हैं और हमें यकीन है कि आपका तावन हमारे साथ ऐसे ही जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।